मेंढक चुप कर। और खबरदार मेंढक, अगर मेरे सास बहू चैनल के बारे में एक भी शब्द कहा ना तो देख लेना। दीदी हरिओम हरिओम। इट्स ओके बाबूजी, आप अपना भक्ति चैनल देखिए। बेटा मैं अपना भक्ति चैनल देख रहा हूँ, खबरदार जो अब अगर मुंह से जरा भी ही हू कुछ किया तो। बाबूजी लगता है आप भूल गए, आपने कहा था कि जब हमें हमारा बेवकूफ चैनल मिलेगा ना तो आप हमें वो वाली बात बताएंगे कि आप शादी के बाद। बताऊंगा ना बेटा, बताऊंगा अच्छे से, पूरी बात बताऊंगा, लेकिन यहाँ ही बाहर आंगन में। अच्छा बेटा, आंगन में कहानी सुनने सुनाने का मजा ही कुछ और है। ले बेटा ले। अच्छा अच्छा क्वेश्चन नंबर एक, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आंसर, इस प्रश्न का उत्तर सबसे पीछे देखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिविल सर्विसेज का एग्जाम कर देगा, मेरी टेंशन टाइट। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा, वो भी राइट। क्या ये? शैतान कहीं का। एक मिनट, सुबह तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? हाँ। अभी कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, मॉम ने पैसे दिए। ये क्या, आज सुबह स्कूल से छुट्टी मिली और अब आइसक्रीम मिल रही है? दिस इज नॉट फेयर। गिल्लू तू आज टीवी नहीं देखेगा। यस, आज सिर्फ मैं और गज टीवी देखेंगे। हाँ। तू नहीं देखेगा। मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा और टीवी भी देखूंगा। अब मैं भी देखती हूँ, तू टीवी कैसे देखता है? आग से देखूंगा, और कैसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक टीवी के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? हाँ देखो, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। चीटी गज चलो चलो, टीवी तो मैं ही देखूंगा। जा गिल्लू, धीरे चले या तेज चले, जैसे चलना है वैसे चलो। चलो तुम। What is the currency of China? The answer is, the currency of China is yo-yo. Yo-yo? Y-U-A-N. Yuan. Yuan. Yes, got it. आज तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। कोई इस तरह अपने भाई से लड़ता है? हाँ? जवाब दो, बोलो। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो बेटा। गिल्लू को आइसक्रीम खाने के लिए पैसे किसने दिए? मैंने दिए थे बाबूजी। किस खुशी में? जब गिल्लू की तबीयत खराब है तो उसे आइसक्रीम के लिए पैसे क्यों दिए गए? वो बाबूजी, तेरी मम्मी मेरी सास एक सॉलिड रिश्ता आ रहा था, मुझे वही देखना था। और वो गिल्लू है ना, वो क्रिकेट देखने की जिद कर रहा था, इसलिए मैंने उसे आइसक्रीम खाने के पैसे दे दिए। मतलब तेरी मम्मी मेरी सास देखने के लिए तूने गिल्लू को रिश्वत दी?
सजा तो तुझे मिलेगी बेटा। हाँ? जा बाहर जाकर तख्त पे खड़ी हो जा हाथ पीछे करके। पर बाबूजी। सुना नहीं तूने? जी गज और चींटी जाओ तुम लोग भी हाथ ऊपर करके बाहर हॉट पे खड़े हो जाओ। दादाजी दिस इज नॉट फेयर, गिल्लू को आइसक्रीम मिल रही है और हमें सजा। गिल्लू को भी सजा मिलेगी फिकर मत करो, स्कूल जाने के लिए उसकी तबीयत खराब रहती है और आइसक्रीम खाने के लिए उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। आने दो उसको, उसे सजा मिलेगी। चलो तुम लोग बाहर चलो। गिल्लू बेटा। हाँ दादाजी। सुबह सुबह इतना कंधा दुख रहा था और अब आइसक्रीम खाने के बाद इतनी ताकत आ गई कि धिंगा 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 धिंगा। चल और पकड़ा हो जा। वो भी हाथ हटा के। दादाजी शोल्डर में अभी भी दर्द कर रहा है, सजा डिले हो सकती है। माफ करोगे तो भी चलेगा। अब अगर खड़ा होने में इतनी सी डिले भी की ना तो सजा दुगनी हो जाएगी समझ ले। ठीक है। ओहो बेटा वो मेंढक भी तो तेरे साथ गया था, वो कहाँ रह गया? दादाजी मैंने उसको आधी आइसक्रीम खाने तो दी थी, शायद बाहर आइसक्रीम खा रहा होगा। बेटा मिंडू क्या हो गया, क्या हो गया? तू तो आइसक्रीम खाने गया था, क्या हो गया? मिंडू क्या हुआ? मिंडू बोल बेटा बोल। बाबूजी बाबूजी नीचे आ जाए। अरे उतर रहा हूँ ना, पूछने की बात है ये। ओ हाथ तो नीचे कर लो बेटा। मिंडू बोल क्या हुआ? हाथ तो खोल मिंडू। मिंडू क्या हुआ? अरे नागिन पानी लेके आना जल्दी से। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा तू। हाँ ठीक हो जाएगा, रुक। मिंडू मिंडू मुंह खोल, मुंह खोल मिंडू। खोल बेटा खोल। मिंडू मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। अरे मिंडू मिंडू कहेंगे उसका नहीं, अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल। कैसा लग रहा है बेटा? ठीक लग रहा है? थैंक यू भाभी, आपने टाइम पे पिला दिया पानी, वरना खत्म थी हमारी कहानी। अयो अयो मेंढू तुम तो आइसक्रीम खा रहे थे, तुम्हें अचानक से क्या हुआ? भूल क्या हुआ? वो बाबूजी हम ना बाहर बैठ के ना आइसक्रीम खा रहे थे, तो खाते खाते ना हम हमारे बेवकूफ चैनल में खो गए, तो उसी की सोच में हमने वो डंडी भी निगल ली। अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है बाबूजी। बल्कि कसूर तेरा भी नहीं है, कसूर उस डिश का है, डिश का, जिस डिश को तुम सब लोग देवता समझ के पूज रहे थे ना। देख लो धीरे धीरे उसने एक दानव का रूप अख्तियार कर लिया है। हरिओ हरिओ हरिओ। भाभी पानी देना। बात तो आपकी सही है बाबूजी, तो क्या अब हम वो सास बहू चैनल देखना छोड़ देंगे? नहीं 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 छोड़ेंगे नहीं, पर थोड़ा कम कर देंगे। अब देख नागिन वो हम रिपीट टेलीकास्ट और रिपीट का रिपीट देखते थे ना, वो अब नहीं देखेंगे, लेकिन शाम तक सारा काम खत्म करके फ्रेश एपिसोड देखेंगे। हाँ अरे आराम से चली चली। आ आ आ
बना देगा आलू की सब्जी पूरी। Which fruit contains vitamin C? Orange contains vitamin C. अगर ये ऐसे ही मेहनत करता रहा ना तो बहुत जल्दी इसको विटामिन सी की जरूरत पड़ सकती है। डॉट 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 भैया ये तो चिड़िया घर के संस्कार आड़े आ रहे हैं, वरना इस वक्त मैं बैठ के अपना म्यूजिक चैनल देख रहा होता। हाँ भाई आ गए सब लोग। हाँ बाबूजी हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। क्या बेटा कपी भाइयों से क्या बात कर रहा था बेटा? नहीं मैं तो बाबूजी कपी कह रहा था कि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में म्यूजिक के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? हाँ बाबूजी। बेटा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में म्यूजिक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते इस बात की चिंता क्यों कर रहा है तू? तू सिर्फ अपनी पढ़ाई करता चल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। अरे बाबूजी ये तो श्रीमद् भागवत गीता। बस बस बस। लेकिन बाबूजी आज तो ये पढ़ाई से ब्रेक ले सकता है ना, क्योंकि आज 26 नवंबर है। अरे हाँ आज पहली बार आपने अम्मा को देखा था। ब्रैकेट ओपन। लाइट को भी सोचो, आज ही के दिन जाना था। अच्छा हुआ ना दादाजी, आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। बात तो तेरी सही है, मगर ये तेरी मम्मी और तेरी चाची कहाँ हैं बेटा? खाना ठंडा हो रहा है बेटा। बाबूजी। चिड़ियाघर परिवार की दोनों बहुओं की तरफ से आज के दिन की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लेकिन बेटा तुम लोग कहीं जा रहे हो? नहीं नहीं बाबूजी कहीं जा नहीं रहे, यहीं आ रहे हैं आपकी डिनर पार्टी में। अरे कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज तुम दोनों उस सीरियल के सास बहू के जैसे लग रहे हैं, है ना? एक राजधानी लग रही है दूसरी हावड़ा। अरे कौन सी सीरियल है वो? तेरी मम्मी मेरे पापा। बाबूजी पापा नहीं बाबूजी सास। तेरी मम्मी मेरी सास। एक सॉलिड रिश्ता। बहुत ही सॉलिड रिश्ता है। बाबूजी आज प्यार का त्योहार है ना, तो हमने सोचा कि पार्टी में आने के लिए थोड़ा मेकअप शेकअप कर ले। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे खड़े खड़े बातें करते रहोगे या बैठोगे भी? वो क्या है ना, वो सास बहू वाले सीरियल की बहुओं को मैंने आज तक कभी बैठे हुए नहीं देखा। एक दूसरे को ताने भी मारती हैं तो खड़े खड़े ही मारती हैं। अरे ओ पर ये बहुएं बैठेंगी बाबूजी। चल बैठ। हरिओ हरिओ। खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा बाबूजी आज के दिन के लिए आप उस सास और बहू को अपने ट्रैक से डीरेल कर दीजिए, क्योंकि आज का दिन आपका और चिड़िया अम्मा का दिन है। हाँ बाबूजी, आज आप और अम्मा चिड़िया घर के स्पेशल गेस्ट हैं, इन इनवर्टेड कॉमास। पर बाबूजी आज का दिन बहुत खास है, डॉट 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 डॉट, क्योंकि आज खास पकवान बने। हॉट 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 हॉट। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन ये खास दिन इसलिए नहीं है क्योंकि आज खास पकवान बने हैं, बल्कि ये खास दिन इसलिए है कि आज हम सब छोटे बड़े सब लोग मिलकर इस तरह से बैठकर कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। वरना बेटा अगर साथ ना हो सब लोग तो पकवान कितने भी मीठे हो फीके ही लगते हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है बाबूजी,
पेंट्री कार में एक साथ बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ बेटा, बात तो आपकी भी सही है। चल 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 शुरू कर। नहीं बेटा ना, कोई शुरू नहीं करेगा, मैं खुद अपने हाथ से आज सब लोगों को परोसूंगा। अरे वाह, क्या बात है बाबूजी। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। थैंक यू बाबूजी। चलो चिड़िया अम्मा का नाम लेके और फिर उनका आशीर्वाद लेकर खाना शुरू करेंगे। चलो बेटा चलो शुरू करो। दादाजी आई एम सॉरी, मैं बाद में खाना खा लूंगा, अब मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। कहीं गए? वो ट्रैवल शो का पहला एपिसोड है आज। चल चल चल। हाँ चलो भैया। सॉरी बाबूजी। चल। अरे नहीं नहीं आप तो नहीं। चल नागिन जल्दी चल, अपना सास बहू शो आ रहा होगा। चल 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 चल। अरे पढ़ाई का ब्रेक मेरा है, तो मैं अपने मेरे चैनल देखूंगा ना। भैया सुन। बाजी हम भी जा रहे हैं। बैंगन का भरता। बैंगन के भरते से याद आया, अगर मयूरी यहाँ होती तो अभी भरता डांस करने लग जाती। हाँ। चलो वो तो नहीं है, हम सब मिलकर ही इस भरते पर टूट पड़ते हैं। दो दो दो। करेक्ट। वैसे भी बाबूजी अकेले बैठकर रोने का और सबके साथ खाने का ना मजा ही कुछ और है। आज के दिन की बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। बाबूजी क्या आप एक बेवकूफ के साथ बैठकर खाना खाएंगे? तू बेवकूफ नहीं है, तू इन सब समझदारों से ज्यादा बुद्धिमान है। ये चिड़िया, मैं अकेला नहीं हूं, ये गधे का भाई मेंढक मेरे साथ है। बाकी लोग साथ नहीं है तो क्या हुआ, वो सब अपने आप में बिजी हैं, खुश हैं। तो क्या कहते हैं मेंढू, देखो डिश रहो खुश। और वैसे भी बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की भी खुशी होती है चिड़िया, तू तो खुश है ना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।